से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे तीन बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें मासू महाराजा, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2, वरुण धवन की फिल्म भेड़िया और कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी शामिल है। और आपको बताएंगे इन तीनों फिल्मों का आज का और अभी तक का टोटल कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना आज का और अभी तक का बॉक्स ऑफिस इंडिया का सबसे बड़ा सुपर स्टार। दोस्तों, ये सब जानने से पहले बात कर लेते हैं वरुण धवन की फिल्म भेड़िया के बारे में। आपको बता दें, भेड़िया फिल्म का बजट जहां 60 करोड़ रुपए था, वहीं फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2350 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वो फिल्म को मिले पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स के 3.5 स्टार रिव्यू की बदौलत यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ओपनिंग करने में कामयाब रही। वो फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 48 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 13 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। वो रिपोर्ट के मुताबिक भेड़िया फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर फिर से काफी ज्यादा ड्रॉप पाते हुए 1 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 13 दिनों का टोटल हिंदी इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 52 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। वहीं अगर इस फिल्म से इस एपिसोड के दूसरे फिल्म फ्रेडी की बात करें तो फ्रेडी फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन के साथ और भी कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले थे। वहीं फिल्म का बजट था लगभग 70 करोड़ रुपए, लेकिन डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज होने की वजह से इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफी अच्छी कहानी होने की वजह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की व्यूअरशिप पाई। इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के ओटीटी कलेक्शन में भी काफी जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल ओटीटी कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए 6 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेडी फिल्म अपने 6ठे दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 2 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 6 दिनों का टोटल ओटीटी कलेक्शन 40 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा रहेगा। वहीं अगर इस एपिसोड की आखिरी और बड़ी फिल्म दृश्यम 2 की बात करें तो दृश्यम 2 फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ तब्बू अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वहीं फिल्म का बजट था 50 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 4 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ओपनिंग करने में कामयाब रही। वो फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड़ 38 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं फिल्म का पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा, क्योंकि फिल्म ने अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार करते हुए 104 करोड़ 66 लाख रुपए कमाए, लेकिन फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दृश्यम 2 अपने 20वें दिन होने के बावजूद काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 2 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म 20 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 195 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के कलेक्शन और अभी तक के टोटल कलेक्शन के मामले में मासू महाराजा, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से अजय देवगन बनेंगे 2022 के बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार। वहीं दूसरे नंबर पर रहेगी कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी, तीसरे नंबर पर रहेगी वरुण धवन की फिल्म भेड़िया। लेकिन अगर आपने इन तीनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई, इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर और फ्लॉप, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को, वरुण धवन की फिल्म भेड़िया को, या फिर कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी को? आपकी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।